अगर आप किसी भीख मांगते को देखकर कुछ सिक्के दे देते हैं ये सोचकर कि उसकी कुछ मदद हो जाएगी तो रुक जाइए। ये करना उनकी शायद ही मदद करें लेकिन नुकसान जरूर करती है। कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ चीजें जान लेते हैं। गवर्नमेंट के 2011 के सर्वे के अनुसार भारत में 4 लाख से ज्यादा बैगर्स थे। आज के दिन तक ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी होगी। स्टेट वाइज चार्ट आप देख सकते हैं। इनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला और पुरुष सब हैं। सिर्फ 2020 में करीब 60,000 बच्चे मिसिंग दर्ज किए गए। अगर इंटरनेट पे फोर्स्ड बैगिंग आप सर्च करोगे तो इसके बारे में कई सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो बताते हैं कि कैसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। तो डेटा से पता चलता है कि कितने बैगर्स हैं हमारे देश में और बच्चों को कैसे अगवा करके उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो बच्चे हम भीख मांगते देख रहे हैं वे उनके माता पिता या गरीबी के कारण भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होगा। हो सकता है आप जिस बच्चे को देख रहे हैं वो अपने माँ बाप से चुराया हुआ हो और जबरदस्ती उससे भीख मंगवाई जा रही हो। हम मासूमियत से दया करके कुछ रुपए उन बच्चों को दे देते हैं ये सोचकर कि उनकी कुछ मदद हो जाएगी, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसी रुपए की वजह से उनके ट्रैफिकर्स की कमाई होती है और वो और बच्चों को इस रैकेट में लेके आते हैं, यानी और मिसिंग बच्चे। ये तो हुई बच्चों की बात। कई बार बड़े सही सलामत लोग जो कुछ भी काम करके गुजारा कर सकते हैं वो भी भीख मांगते दिख जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि उनकी मेहनत से जितना उन्हें मिल सकता है उससे ज्यादा भीख मांग के मिल जाता है? अगर ऐसा है तो फिर वो अपने बच्चों को भी क्यों पढ़ाएंगे, वो अपने एक बच्चों को भी इसी दलदल में धकेल देंगे। फिर ये जो साइकिल है जनरेशन टू जनरेशन भीख मांगने का, ये कब खत्म होगा? बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? और ये याद रखना कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। मेरे ओपिनियन में बच्चे सबसे ज्यादा गंभीर विषय हैं क्योंकि उन्हें अडल्ट्स के मुकाबले कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट, वॉयलेंस। तो अब शायद इस बात की गंभीरता को आप समझने लग गए होंगे। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है इस विषय में? गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 2021 में एक मीटिंग की गई जिनमें एनजीओ, स्टेट्स और एक्सपर्ट्स जो इस विषय में काम कर रहे हैं शामिल थे, और दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर और पटना, इन शहरों में एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया गया जिसमें ऐसे लोगों के लिए काउंसलिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट जैसी चीजें उन्हें दी जाएंगी। गवर्नमेंट ने पहल तो की है लेकिन हमें भी हमारे स्तर पर कुछ करना होगा। पहले तो ऐसे बच्चों को भी देना बंद कर दीजिए ताकि ये रैकेट से ट्राफिकर्स को जो पैसे मिलते हैं वो बंद हो जाए और वो और बच्चों को इस दलदल में ना लाए। जो पैसे आप उन्हें देने वाले थे वो पैसे आप अपने हिसाब से किसी एनजीओ को डोनेट करें जो ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए काम करते हैं। आप मंथली डोनेट कर सकते हैं। इससे जो बच्चे ऑलरेडी इस दलदल में हैं उन्हें शायद अपने माता पिता से मिलवाया जा सके या उनके उद्धार के लिए कुछ किया जा सके। गवर्नमेंट से डिमांड करें कि एक रेगुलेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाए जिसकी वजह से तुरंत अबडक्टेड या ट्रैफिक बच्चों की आइडेंटिफिकेशन हो सके और उन्हें अपने माता पिता से फिर से मिला जा सके। वैसे फेशियल रिकॉग्निशन के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसके बारे में अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि जो बातें हमने इस वीडियो में जानी हैं वो मदद कर सकती हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।